चैनल फ्री बर्ड और आज मैं हूँ यहाँ पर लेकर एक रेसिपी। आज मैं कुकिंग ब्लॉग लेकर के आई हूँ। आज मैं यहाँ पर उपमा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। मैं बनाऊंगी चने की दाल का उपमा, ठीक है। आप कुछ चने की दाल की जगह उसमें मूंग और उड़द भी ऐड कर सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो मैं आप उपमा रेसिपी लेकर के आई हूँ। एंड यस, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है देन कॉमेंट मी और आप ट्राई भी करना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सूजी का उपमा बनाने के लिए हमको चाहिए मेन सूजी, जिसको मैंने पहले से ही रोस्ट कर कर रख लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम एक साथ ही रोस्ट करके रख लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार बनाना हो तो जल्दी से क्विकली बन जाए, ठीक है, क्योंकि रोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है 1 कटोरी सूजी और ये है चने की दाल। इसको मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में सोक कर दिया था, तो ये अच्छे से हो चुकी है। ये देखिए, ये अच्छे से गल चुकी है, ठीक है। तो उसको 1 घंटे तक गर्म पानी में सोक करना है। ये है 1 मीडियम टोमेटो, ठीक है। मैंने 1 टमाटर लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। देन मैंने लिए हैं करी लीव, है मटर, ये मैंने लिया है ऑलमोस्ट 1 कटोरी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसको और भी ऐड कर सकते हो, इसके साथ में और भी वेजीज भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिया है मटर, मैंने लिया है अनियन, 1 मीडियम अनियन मैंने चॉप कर लिया है। देन मैंने ग्रीन चिली, ये 4 ग्रीन चिली हैं, ठीक है, जिनको मैंने चॉप किया है। एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। एंड ये लिया है मैंने राई, मस्टर्ड सीड, ये मेरा 1 स्पून है। और ये है मेरा अजवाइन, ये भी मेरा 2 स्पून है, 2 फुल स्पून, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको फ्राई कैसे करना है, चलते हैं। हम करेंगे अब फ्लेम ऑन, ऑन हो गया, इसको रख देंगे, ठीक है, गर्म होने के लिए। अब इसमें डालेंगे हम, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, 2 स्पून, ज़्यादा नहीं, ऑयल, ठीक है। अब हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब हम इसको फ्लेम को कर देंगे मीडियम, ठीक है, इसको ऑन कर दिया है मीडियम। अब हम इसमें डालेंगे अपने मस्टर्ड सीड। देखिए, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ जितना मैंने लिया है, ये देखिए पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 1 स्पून ही है, ठीक है। हम डालेंगे अजवाइन, मैंने 2 स्पून लिए क्योंकि मुझे अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम इसको, मुझे ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल नहीं खाती हूँ। और अब हम क्या डालेंगे, अब हम डालेंगे इसमें आनियन। वाह, जो अजवाइन की खुशबू आती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है यार। अब इसको अच्छे से हम सौते करेंगे, फ्राई कर लेंगे। मैं ऐड करूँगी, क्या मैं इसमें ऐड करूँगी, चने की दाल, ठीक है। मेरा भूजा हुआ चने की दाल था तो जल्दी से ये हो जाएगा, और साथ में मैं करी लीव, आप करी लीव को जब अजवाइन डालते हो ना आप तब भी उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, उस टाइम पे भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी इसके साथ ही ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे भी अच्छा लगता है, वैसे भी आप कैसे भी कर सकते हो, उसको तब भी डाल सकते हो, बाद में भी इसको ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मटर, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्ट, ठीक है, एज पर योर टेस्ट, ठीक है, आपको जैसा भी अच्छा लगता है, हल्का या तेज हिसाब से खाते हैं आप ऐड कर सकते हो। ये मैंने लिया है 3 लोगों के हिसाब से 1 कटोरी सूजी, तो इसलिए मैंने इसमें 2 स्पून सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है। अब मैं इसमें करने वाली हूँ सॉल्ट, मैंने ऐड कर दिया अब टमाटो, एंड लास्ट चिली,
टमाटो मैंने बाद में इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि मुझे ना काफी गले हुए अच्छे नहीं लगते, ठीक है। थोड़ा सा ना जो वेजिटेबल्स होती है उनका थोड़ा सा रॉ टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि इसमें मटर और मटर थोड़े से अच्छे से गल जाए, ठीक है। ऐसे करके कवर कर दिया। तो हम अभी एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा मटर अभी गला है कि नहीं। तो ये अभी थोड़ा सा और गलेगा, सॉरी। हाँ देखो कुछ कुछ हो चुके हैं पर कुछ कुछ अभी टाइट है। मटर भी थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा टाइम लेती है गलने में। देखो वैसे हो गया है, हो गया ऑलमोस्ट, मटर भी हमारी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। ठीक है, वाटर आपको थोड़ा सा अपना अंदाजे से ऐड करना होगा। मैंने यहाँ पे किया है 2 ग्लास, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड किया है इसके अंदर और मैंने अब फ्लेम कर दिया है हाई, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, बल्कि इसमें थोड़ा सा और 1 ग्लास पानी और ऐड करना है। ये देखिए इसमें अब आ रहे हैं बबल्स। चाहे तो आप इसको कवर कर दो 2 मिनट के। तो देखिए ये अभी थिक होना शुरू हो गया है, तो हमारा उपमा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है। मुझे ज़्यादा ना थिक भी पसंद नहीं है, जो बहुत मतलब थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो कि लग रहा है कि कितना सॉफ्ट है, ठीक है। ये देखिए गाइस आपका उपमा बनकर रेडी है। ये यो यमी, तो हमारा उपमा बनकर हो गया है रेडी। अब हम कर देंगे गैस ऑफ, हम इसको करेंगे अभी गरम गरम सर्व। तो ये हमारा बन गया उपमा और इसको हम लेमन के साथ सर्व करेंगे। ये यमी। सो माय उपमा इज रेडी, मेरा उपमा बनकर रेडी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है तो डांस तो मनता है, पर अच्छा बना भी है, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करना, मैंने इसके अंदर जो भी चीज़ें डाली है आपको बता ही दिया है, ठीक है। आप बस चने की दाल की जगह इसमें उड़द और मूंग ऐड कर सकते हो, अदरवाइज मुझे तो यार उपमा सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हेल्दी।